तो दोस्तों ये है मटर के पत्ते। हमारे यहाँ खेतों में मटर भी होता है तो अक्सर हम उन्हें तोड़ के ले आते हैं और उसकी रेसिपी बनाते हैं। तो आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। इधर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम बेसन ले लिया है और 3 चम्मच में चावल के आटे लूँगी और छोटी चम्मच से मैं 1 चम्मच हल्दी और 2 छोटी चम्मच लूँगी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटी चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर और यहाँ पे मैं जवाइन को क्रश करके इसमें डाल दूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार और कुटी हुई काली मिर्च मैं इसमें डाल दूंगी और पानी डाल के हम इसे एक अच्छा सा गाढ़ा सा घोल बना लेंगे। घोल ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। देखिए बारी बारी करके पानी डालेंगे, एक बार पानी नहीं डालेंगे और इससे हम अच्छी तरीका से मिला लेंगे। ये देखिए हमने जिस तरीके का घोल चाहा था वैसा मिल गया। इसमें मैं अब थोड़ा सा मतलब कि चुटकी भर से भी कम खाने वाला सोडा मैं डाल दूंगी, इससे क्या है थोड़े से फूले फूले बनेंगे। चलिए देखिए ये बन चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो हमने मटर के पत्ते लिए थे उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हाथों से दाब लेंगे और फिर उसके बाद इधर तेल गरम करके इसी में हम इसे डिप करके, ये देखिए इस तरीके से डिप कर लेंगे और डिप करने के बाद हम इसे तेल में डाल देंगे। बाकी को भी हम इसी तरीके से डालेंगे। दोस्तों ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कुरकुरे होते हैं। इसमें कुछ मिलाना नहीं होता है, सीधा मटर के पत्ते को इसमें डुबो कर डाल देना होता है। मटर का जो ऊपर वाला भाग होता है पत्ते का उसी का ये बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे खेतों में बहुत ज़्यादा मटर होते हैं अक्सर इन सीज़न में, तो खास करके तो बथुआ मटर लाते हैं, फिर खेसारी लाते हैं, तो उन सब का हम लोग इसी तरीके से नए नए तरह की रेसिपी बनाते हैं और शाम में चाय के साथ इंजॉय करते हैं। अगर आपको भी इस तरीके से बनाना है तो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है शाम के नाश्ते के लिए। और अगर आपको अच्छा लगे ये तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए ये पूरी तरीके से बन गया है। थोड़ा सा इसे हम कलर आने देंगे और फिर इसे हम एक टिश्यू पेपर पे निकालेंगे क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए तेल भी लगभग पूरी तरीके से अलग हो गए हैं, तो अब मैं इसे अलग प्लेट में सर्व कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसे अलग कर लेंगे और टोमेटो सॉस और चिली सॉस के साथ हम इसे इंजॉय करेंगे और शाम की चाय तो है ही। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा। और आपने कभी इस तरीके से बनाया है कि नहीं मुझे ये भी बताइएगा। और अगर ये अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक